टूट जाए रिश्ता उससे पहले जरूर देखें ये वीडियो पति पत्नी साथ में, इससे कभी भी झगड़ा नहीं होगा। आजकल जरा जरा सी बात पर पति पत्नी एक दूसरे से रूठ जाते हैं। आज की तारीख में भारत के परिवारों में रिश्ता नहीं ईगो बड़ा हो चुका है। चलिए छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाते हैं। एक बार एक पति पत्नी का बहुत भयंकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने ये तक कह दिया कि तुम्हें मुझसे बात करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तो पत्नी ने भी गुस्से में कह दिया कि आपको भी मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ने अपने ईगो को ऊपर रखकर रिश्ते को भूल। पत्नी बिना बोले सुबह शाम खाना बनाकर रख देती। पति सुबह खाना खाकर ऑफिस चला जाता और शाम को वापस आकर खाना खाकर सो जाता। ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी कभी दोनों को एहसास भी होता था कि बहुत दिन हो गए हैं, अब तो बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर वही बात सामने आ जाती थी कि दोनों ने एक दूसरे से कहा था कि मुझसे बिल्कुल भी बात मत कर। एक दिन पति ऑफिस नहीं गया, छुट्टी थी। वो घर के आंगन में बैठा सिगरेट पी रहा था। बैठे बैठे वो सोचने लगा कि बात तो करनी ही पड़ेगी, आखिर पत्नी मेरी ही है, लेकिन क्या करूं जिससे ईगो भी ना टूटे और बात भी हो जाए। उसे एक तरकीब आई। जब पत्नी आंगन की तरफ आ रही थी तो उसने अपनी सिगरेट से अपना कुट्टा जला लिया और ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसे पता ही ना हो। पत्नी आंगन में आई तो उसने देखा कि कुट्टे में आग लगी हुई। वो उसे बुझाने चली, लेकिन फिर से बीच में ईगो आ गया तो वो दूर खड़ी कहती रही, किसी का कुर्ता जले तो जले, मैं क्या। पति ने सुनते ही आग बुझा ली और बोला, कुर्ता जले तो जले, बात तो शुरू हुई। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और आपस में बात शुरू हो गई। लेकिन अगर वो दोनों पति पत्नी ईगो को रिश्ते से बड़ा ना रखते तो 4 महीने पहले ही उनकी बातचीत चालू हो जाती। एक पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों में समझदारी होनी चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो कभी भी अलग होने की नौबत नहीं आएगी। दोनों को लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, लेकिन वो अपने ईगो में इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा ही नहीं और उन्हें सामने वाले की गलती नजर आ रही थी। तो चलिए आज हम आपको पति पत्नी की कुछ गलतियां बताते हैं जो सुनने में तो बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन असली नाश की जड़ वही होती है। पत्नी की सबसे बड़ी गलती कि वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। अगर पति लेट आए तो झगड़ा, पति बिना बताए बाहर खाना खाकर आए तो झगड़ा, पत्नी ने कुछ सामान बताया लेकिन पति लाना भूल जाए तो झगड़ा। और इस झगड़े से कोई समाधान नहीं होता, बस दोनों के दिमाग खराब होते हैं और इस झगड़े का सीधा असर पति के कारोबार पर पड़ता है। पति का दिमाग काम में लगने के बजाय घर के कलेश में रहने लगता है, जिसकी वजह से उसे काम में घाटा होता रहता है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पति की सफलता और विफलता दोनों के पीछे स्त्री का ही हाथ होता है, इसीलिए पत्नी को हमेशा पति की बातों को समझना चाहिए और अगर पति गुस्से में कुछ कह भी दे तो सुन लेना चाहिए। और जब पति का गुस्सा शांत हो जाए तो देखना उसे खुद एहसास होगा कि उसकी गलती है और वो खुद आके आपके पास माफी मांगने आएगा और आपको मनाएगा। अगर ये छोटी सी बात हम समझ ले तो जीवन में कभी भी हमारा रिश्ता अलग होने के कगार पर नहीं आएगा। ऐसे ही पति को भी जरूरत है पत्नी को समझने की। आजकल के मॉडर्न लड़के शादी के बाद भी यार दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, रात रात भर घर से बाहर रहते हैं, दारू पीते हैं, नशे करते हैं और अगर बीवी उन्हें ऐसा करने के लिए टोक दे तो कह देते हैं कि मैं ऐसे ही रहूंगा, रहना हो तो रहो वरना जा सकते। और यही कारण है रिश्ते टूटने का। पति को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। शादी के बाद उसे हर काम करने से पहले पत्नी की खुशी और नाराजगी के बारे में सोचना चाहिए और पत्नी और अपने रिश्ते को भी समय देना चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी को इज्जत और समय देगा तो पत्नी भी उसके साथ गरीबी में भी समय बिता लेगी और पति पत्नी के अलग होने की नौबत कभी नहीं आएगी। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को जानकारी देना था, ना कि किसी की भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और अपने फैमिली वालों को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा और ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को एंटरटेन करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।